ऐसा शुभकामनाएं देना चाहूँगा विजय मौर्य को, जिसने मेरे साथ मेरी फिल्म में काम किया है एज अ राइटर। मुझे बहुत खुशी है कि आज वो डेब्यू कर रहा है एज अ डायरेक्टर, एंड ही इज़ डूइंग इट विद अ न्यू कास्ट। जो मैं भी हमेशा जितनी हो सके उतनी मैं कोशिश करते रहता हूँ कि नया टैलेंट आए, बिकॉज नए टैलेंट की बहुत ज़रूरत है फिल्म इंडस्ट्री में। सो एम वेरी हैप्पी दैट इज़ कास्ट न्यू पीपल, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी नाउ। अभी मैं स्क्रिप्ट देख रहा हूँ, किस स्क्रिप्ट पे मैं करूँगा अभी फिल्म, वो भी मैं डिसाइड करूँगा। थैंक यू। नहीं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं। मौर्या जो है ना वो पागल आदमी है, और नाम अगर फोटो कॉपी हो, मेरे को लगता है ओरिजिनल वो खुद है, तो उसकी फोटो कॉपी वो निकालते रहेगा। मुझे लगता है ये एक यूथ फिल्म है और फनी फिल्म होगी, सिचुएशनल कॉमेडी होगी। मेरे ख्याल से जो लड़के मुझे पता नहीं उनके, और पर मुझे पता है वो कमाल के एक्ट्रेस है, और जो नए हैं मैं चाहता हूँ यार, नया इज ऑलवेज फन एंड इट्स यंग द बेस्ट पार्ट अबाउट। वकील बना हुआ था, नहीं आ रही है, कंप्लीट हो रही है, ऐसा मत कर। मेरे ख्याल से यार मुझे नहीं लगता वो अगले मई तक, क्योंकि अभी सुनती बात पर आएगी। दो तीन फिल्में मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, पर अच्छी फिल्में आ रही है। जरूर बीच में हम लोग मिले थे, बीच में मिले थे, मैंने उससे कहा था कि यार ये ख्वाहिश है कि आप तुम्हारे साथ काम करें, मेरे ख्याल से उसके भी पॉजिटिव रहा, तो हो सकता है कुछ निकले प्रोजेक्ट हम लोग बहुत जल्द काम करेंगे। अभी मराठी में मैंने एक फिल्म की है ट्रक भर स्वप्न, जिसमें मैं और क्रांति रेडकर और अदिति पोनकर हम लोग पूरी फैमिली है, तो आई थिंक दैट इज अ फैंटास्टिक फिल्म अबाउट ड्रीम ऑफ अ मैन फ्रॉम आउटसाइड दिस सिटी and truck bhar swapna, so I think that you should see it, it is made on a quite a big scale.